कल हमने नेक्रोसिस देखा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि नेक्रोसिस हमारे पास एक्सीडेंटल सेल डेथ है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं एपोप्टोसिस, ये प्रोग्राम्ड, पूरी प्रोग्रामिंग से वजह होती है ये सेल डेथ, और सुसाइडल भी होती है, सुसाइडल भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब एपोप्टोसिस हमारे पास, कल हमने नेक्रोसिस देखा था, साथ साथ डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। नेक्रोसिस में हमने देखा था कि वो हमारे पास हमेशा किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। एपोप्टोसिस ऑन द अदर हैंड हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल प्रोसेस भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रोसेस भी हो सकता है। नेक्रोसिस जो हमने पढ़ा था वो हमेशा पैथोलॉजिकल होता है क्योंकि उसमें हमेशा इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। नेक्रोसिस में एक सेल, क्या हमने देखा था, एक सेल पूरा टूट गया था, उसके सारे कंटेंट्स बाहर आ गए थे, इसकी मेम्ब्रेन टूट गई थी और कंटेंट्स ने बाहर से एंजाइम्स ने उसके अंदर वाले एंजाइम्स बाहर आए, बाहर से उन्होंने अटैक किया सेल पे और सेल को ख़त्म कर दिया। फिर बाद में हमारे पास आए थे मैक्रोफेजेस वगैरह, उन्होंने आके इसको फेगोसाइटोस कर दिया था। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि एक सेल है उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आता, नेक्रोसिस में सब कुछ बाहर आ गया था, इसलिए जो इर्द गिर्द के सेल्स थे उनको भी उन एंजाइम्स ने अफेक्ट किया था और इस तरह से एक पूरी इन्फ्लेमेशन बन गई थी। एपोप्टोसिस में कुछ बाहर नहीं आ रहा, सब कुछ अंदर से अंदर ही ख़त्म हो रहा है और फिर इन दी एंड मैक्रोफेजेस आके इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब कुछ बाहर ही नहीं आ रहा तो साथ जो इसके सेल्स पड़े हुए उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज होगी, तो इसलिए ये इसको इसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी आते हैं जो कि परफेक्टली नॉर्मल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखनी है कि एपोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं और पैथोलॉजिकल कौन से होते हैं। तो हमने एम्ब्रियो में पढ़ा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस का जो टाइम होता है उसमें हमारे पास सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है, प्रोलिफरेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हैंड की फॉर्मेशन हो रही है बेबी के, जितनी ज़रूरत है सेल्स की प्रोलिफरेशन की, जब वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे, उसके बाद एक्सेस प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए जो मेथड यूज़ होता है सेल डेथ का, वो होता है एपोप्टोसिस, एंड दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू होता है, कुछ बॉडी के इस तरह के पार्ट्स होते हैं जो हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फीमेल में ब्रेस्ट ले लें, या आप फीमेल जिनमें मेंस्ट्रुएशन से पहले फीमेल का जो टाइम होता है उनका यूट्रस ले लें, इन जगहों पे जो होता है, फॉर सम टाइम जब तक हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन, तब तक यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। जिस तरह यूट्रस की लाइनिंग की फॉर्मेशन हो, एंडोडर्मल लाइनिंग की फॉर्मेशन हो रही होती है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की वजह से, और राइट बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो हार्मोन्स हैं ये स्टॉप हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं या रुक जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जाके यूट्रस पे एक्ट करना, इस वजह से वो पूरी लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग वो ब्रेक डाउन हो जाती है और इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसी तरह ब्रेस्ट में जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है उन पर जब तक हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं तो लैक्टेशन हो रही होती है, और जब हार्मोन्स का एक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर वो सारे जो सेल्स होते हैं वहाँ पे वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये हो गया कुछ हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से जो ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जब उन्होंने रुकना होता है वहाँ पे तो वो हार्मोन्स रुक जाते हैं और जो सेल्स पहले के बने हुए होते हैं वो एपोप्टोसिस के थ्रू जो हैं ब्रेक डाउन होते हैं। इसी तरह अगर फर्दर और एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम की एग्जांपल आ जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम के सेल्स बन रहे होते हैं, इम्यूनिटी वो डेवलप कर रहा होता है। हम कहते हैं बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सही से भी डेवलप नहीं हो रहा होता, डेवलप होने के फेजेस में होता है। उस टाइम पे अगर इम्यून सिस्टम ये चीज़ नोट करता है कि कोई सेल इस तरह का बन गया जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है, या जो कि नॉर्मल, जिसकी वजह से बॉडी में इम्यूनो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से बॉडी में हो सकते हैं, अगर ऐसा कोई सेल बॉडी में मिल जाता है इम्यून सिस्टम को, तो वो बॉडी खुद ब खुद ख़त्म कर देती है बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड में, और वो एपोप्टोसिस के थ्रू वो ख़त्म किया जाता है। इसी तरह नंबर फोर, रेपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स या स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं,
जिस तरह बोन मैरो से हमें स्टेम सेल्स बन रहे होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये बोन मैरो बना रही होती है, ठीक है। छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। जितनी बॉडी को चाहिए जब उतने बन गए, उसके बाद अगर एक्सेस फॉर्मेशन इनकी हो रही है तो वो बॉडी ख़त्म करेगी एपोप्टोसिस के थ्रू। और ये भी हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये चार हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एपोप्टोसिस सेल्स की डेथ कॉज कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से हैं जो कि एबनॉर्मल हैं, जो कि नॉर्मली नहीं हो रहे। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं याद कि नंबर वन, ये एक सेल है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, ठीक है। अब वो कैंसर का इलाज करा रहा है, कीमोथेरेपी करवा रहा है, तो कीमोथेरेपी की रेडिएशंस जो उसकी बॉडी पे लग रही होंगी, वो वहाँ पे उसके जो नॉर्मल सेल्स भी होंगे या एबनॉर्मल सेल्स, कोई भी सेल ले लो, नॉर्मल या एबनॉर्मल सेल्स जो होंगे उनके अंदर डैमेज करेगा, ठीक है। उन सेल्स के अंदर वो रेडिएशंस डैमेज करेंगी। अब जब एक सेल इतना डैमेज हो गया है कि वो बियॉन्ड रिपेयर हो गया है, बियॉन्ड रिपेयर किसकी वजह से? रेडिएशंस की वजह से। कोई सेल बियॉन्ड रिपेयर है, इतना डैमेज हो चुका है, तो उसको बॉडी ख़त्म कर देगी, क्योंकि अब ऑब्वियसली उसकी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। और वो एपोप्टोसिस के थ्रू किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी सेल के अंदर प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग हो गई है, ठीक है, एक तो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं और एक म्यूटेशंस वाली प्रोटीन्स होती हैं, तो उस सेल की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें मिसफोल्डिंग हुई हुई है, म्यूटेटेड है, तो उसको भी एपोप्टोसिस के थ्रू ख़त्म किया जाएगा। और ये भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट्स। इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले लो पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के अंदर बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। और फिर ये सारे कॉमन उसमें खुल रहे होते हैं डक्ट में। अब अगर पैनक्रियाज के अंदर किसी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो यहाँ पे जो सेल्स थे वो सेल्स सिंथेसिस कर रहे हैं चीज़ों की, लेकिन वो आगे से बंद है तो वो सिक्रीट नहीं हो रही चीज़ें, तो यहाँ पे सेल्स जो हैं इंजर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वो सेल्स की इंजरी जो है, उसके बाद वो सेल्स की ज़रूरत नहीं रहती, ख़राब हो जाते हैं, उनमें इंजरी आ जाती है, बियॉन्ड रिपेयर हो जाती है वो भी। तो इन सेल्स को ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो भी एपोप्टोसिस है, और एपोप्टोसिस का पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। तो नंबर थ्री ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट्स। ज़रूरी नहीं है ये पैनक्रियाज में हो, बाकी ऑर्गन्स में भी हो सकता है। किडनी में अगर ले लो तो किडनी में नेफ्रॉन्स में हो सकता है, नेफ्रॉन्स की अगर ब्लॉकेट हो गई है, कोई ब्लॉकेट हो गई है, तो नेफ्रॉन्स की भी डेथ इस एपोप्टोसिस से की जा सकती है। उसके बाद जो फोर्थ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट, हाइपोक्सिया। हमने ये पीछे भी देखा है कि किसी सेल को जितना ऑक्सीजन चाहिए अगर नहीं मिलेगा तो उस सेल की इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, सेल इंजरी, ठीक है। और हमने ये देखा कि सेल इंजरी दो टाइप की होती है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर तो वो ऑक्सीजन की डिमांड उसकी पूरी नहीं हो रही और वो इंजरी इतनी है कि वो रिवर्सिबल है, ठीक है, तो इस कंडीशन में उसकी सेल डेथ अगर बॉडी कराना शुरू कर दे तो वो एपोप्टोसिस के थ्रू कराती है। लेकिन अगर किसी सेल में ऑक्सीजन डिमांड इतनी ज़्यादा कम हो गई है, अच्छा एग्जांपल देती हूँ, एक सेल ये है और एक सेल ये है, ठीक है, इसको भी ऑक्सीजन कम मिल रहा है और इसको भी ऑक्सीजन कम मिल रहा है, लेकिन इसको ऑक्सीजन इतना ज़्यादा कम हो गया है इसका कि बस इसके ज़िंदा रहने के कोई चांसेस ही नहीं है, फ़ौरन देन एंड देयर इसकी डेथ होनी है। तो इस केस में इसकी डेथ नेक्रोसिस से होगी, मतलब ये उधर ही पूरा ब्रेक होके ओपन हो जाएगी, इसकी सारी सेल मेम्ब्रेन और सारे कॉन्टेंट्स बाहर आएंगे और बाहर आके फ़ौरन से बाहर से इसको मारना, अटैक करना शुरू कर देंगे और सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई सेल इस तरह का है जिसकी ऑक्सीजन उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी उसकी इंजरी भी आ गई है, लेकिन फिर भी वो इतना उस बर्दाश्त से बाहर नहीं हुआ कि उसका सब कुछ एकदम से ब्रेक ओपन हो जाए, उसमें बर्दाश्त है लेकिन इंजरी इरिवर्सिबल है, तो इस केस में बॉडी ख़ुद उसको ख़त्म करने का जब मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी तो वो एपोप्टोसिस होगा।
लेकिन फिर भी वो पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस है, फिजियोलॉजिकल नहीं है।